नमस्कार जी, मेरा नाम है चंचल। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं क्रेटा के जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है और क्या कुछ कंट्रोल्स आपको जो है प्रॉपर मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो कंट्रोल्स देखेंगे वो सारे कंट्रोल्स आपको जो है मीडिया के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है इसके कंट्रोल्स मिलेंगे। और जब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड के जो है ये छोटी सी MID देखेंगे, इस चीज़ की पूरे कंट्रोल्स आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, आपको पहले वहाँ का बताते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपको जो है यहाँ पर सबसे पहला कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आप MID पर जब मैं इसको टैप करूँगा तो सेटिंग्स देन अगेन कार इन्फॉर्मेशन। तो कार इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको बता दूँ कि जब इसमें हम नीचे करेंगे इस वाले टॉगल को, जब हम नीचे टैप करेंगे यानी कि नीचे आएंगे, तो फर्स्ट वाली स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है फ्यूल इकोनॉमी की, जहाँ पर एवरेज वगैरह फ्यूल इकोनॉमी पूरी बताता है। उसी के बाद नीचे हम बात करें तो नीचे जो है आपको पहले मैं विंडो को लगा लेता हूँ, थोड़ी सी नॉइज़ नहीं है ये। जब हम इसको नीचे टैप करेंगे तो एक्यूमुलेटेड इन्फो सेकेंड वाली स्क्रीन जो आएगी, जिसमें आपको ओवरऑल ट्रिप बताएगा, एवरेज बताएगा और कितने टाइम ये जो है गाड़ी रन कर चुकी है वो चीज़ बताती है। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको नीचे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है, राइट हैंड साइड आपको जो है ट्रिप बता रहा है। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो नीचे आपको ड्राइव इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने जब गाड़ी स्टार्ट की थी तब से आप कितना ड्राइव कर चुके हैं इसको रिसेंटली। उसी के नीचे हम जब जाएंगे तो फोर्थ स्क्रीन जो है आपको डिजिटल स्पीडोमीटर की देखने के लिए मिलती है। डिजिटल स्पीडोमीटर यानी कि आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर में स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते एक बार और इसको टैप करता हूँ, जहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती है। सेटिंग्स में भी आपको बता देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। तो सेटिंग्स में सबसे पहला लाइट है, देन सेकेंड वाला डोर है, देन साउंड कन्वीनियंस, देन सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स और रीसेट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। देन अगेन वही वाली चीज़ें आ जाती है। तो ये कंट्रोल्स आप जो है सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के। और अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके बाद ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ये जो है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन है। उसी के नीचे यहाँ पर अप एंड डाउन एंड ये जो है प्लस माइनस, ये जो है क्रूज़ का आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसी के नीचे बात करें तो यहाँ पर ओके यानी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से मिल जाता है। इस साइड की बात करें तो आपको ब्रेक का और वापस क्रूज़ को कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है, यानी कि आप क्रूज़ को वापस ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको मोड देखने के लिए मिलेगा। मोड यानी कि आप स्क्रीन पर FM, ब्लूटूथ या किस चीज़ का आपको यूसेज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके जस्ट साइड में आपको जो है वॉइस असिस्ट देखने के लिए मिल जाता है। वॉइस असिस्ट अभी फ़िलहाल तो गाड़ी बंद है तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट आपको ये जो है वॉइस असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसी के नीचे बात करें तो आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इसको आप जब ऊपर करेंगे तो वॉल्यूम अप, देन इसको जब नीचे करते हैं तो वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। इसके जस्ट राइट हैंड साइड में बात करें तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप अगर कोई सा सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो इसको जब आप ऊपर करेंगे तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, नीचे करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा। और उसके नीचे हम बात करें तो यहाँ पर आपको कॉल पिक करने का और कॉल कट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो प्रॉपर ये चीज़ें थी जहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है ओवरऑल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं जो है मेरे चैनल पर रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स डालते रहता हूँ। तो आपको अगर ऐसे वीडियोज़ के शौकीन हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। और आप अगर बाइक चलाते तो यार आपसे कहना चाहूँगा प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहने, कार चलाते हैं तो प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। इसी के साथ बाय बाय।